दुर्ग जिले के वर्षो पुराने धमदा नाका ओवर ब्रिज का जल्द जीर्णोद्वार होने वाला है शासन द्वारा लगभग 55 करोड़ के प्रस्तावित लागत से खस्ता हाल ब्रिज की मरम्मत कर इसका कायाकल्प किया जाएगा दुर्ग जिले के वर्षो पुराने धमदा नाका ओवर ब्रिज के जीर्णोद्धार को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है शासन द्वारा लगभग 55 करोड़ से भी ज्यादा के वास्तविक लागत से खस्ता हाल ब्रिज की मरम्मत की जाएगी संभवता दुर्ग जिले का यह सबसे पहला ब्रिज है जिसका निर्माण भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोतीलाल वोरा के द्वारा करवाया गया था अविभाजित मध्य प्रदेश शासन काल के दौरान स्वर्गीय मोतीलाल वोरा दो बार मुख्यमंत्री बने उसी दौरान लगभग पैंतीस साल पहले धमदा नाका ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था पूरे शहर के लोगों को उस दौरान कई रेलवे ट्रैक से होकर इस पार से उस पार जाने में बड़ी परेशानी होती थी कई ट्रेनों के गुजरते तक क्रॉसिंग बंद ही रहता था समय समय पर मरम्मत के ना होने से ब्रिज काफी जर्जर हो गया है इस मात्र एक पुल से दिन भर में सैकड़ों छोटी बड़ी मालवाहक और सवारी गाड़ियां गुजरती है इस समस्या के समाधान के तहत विधायक गजेंद्र यादव ने इसकी जर्जर हालत में सुधार लाने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत अब पचपन करोड़ की लागत से इसे नया रूप दिया जा रहा है हमारा जो मेन रोड जा रहा है मेन रोड में जो, जो ब्रिज है तैतीस साल पुराना ब्रिज है उसको नए बनाने के लिए हमने दिया है बजट में जुड़ भी गया है पचपन करोड़ रुपये बजट में इस साल के बजट में उसको ले रहे हैं कि एक नया ओवरब्रिज बन जाएगा दुर्ग शहरवासियों की बहुप्रतिष्ठित मांग अब पूर्ण होने वाली है और दुर्ग शहर के इस पहले ब्रिज का कायाकल्प भी बहुत जल्द किया जाएगा ए न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट